ভোটের মধ্যে আদানি আম্বানি থেকে টেম্পো ভর্তি টাকা কার ঘরে ঢুকেছে? তেলেঙ্গানার সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদির কথায় উঠে এলো এমনই সমস্ত প্রসঙ্গ। এদিন সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, কংগ্রেস 5 বছর ধরে সকালে উঠেই মালা জপ করছিল, বলছিল 5 উদ্যোগপতির কথা। তারপর বলল আম্বানি আদানি, কিন্তু ভোট ঘোষণার পর থেকেই আম্বানি আদানিকে খারাপ কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। কি হয়েছে রাতারাতি? নিশ্চয়ই কোনো গণ্ডগোল আছে। টেম্পো ভর্তি টাকা কার ঘরে ঢুকেছে? এত বছর ধরে এই দুজন যেমন মিমকে লিজে দিয়ে রেখেছিল, প্রথমে কেউ মিমকে চ্যালেঞ্জ করে, হায়দ্রাবাদে ঢুকে দুই পার্টি মিমকে জেতানোর চেষ্টা করছে। কংগ্রেস সবথেকে বেশি সমাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি লুট করেছে। কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শোনাবো আপনাদের। পিছলে 5 সাল সে सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा इस साझाद घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या क्या सौदा हुआ है आपने रातों रात? अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई, मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलाराज, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। कांग्रेस और बीआरएस के बीच जो एपीजमेंट का बॉन्ड है वो बहुत मजबूत है। इतने वर्षों से इन दोनों ने जैसे हैदराबाद को एमआईएम को लीज पर दे रखा था, पहली बार किसी ने एमआईएम को चुनौती दी तो बीजेपी ने दी। बीजेपी की चुनौती से एमआईएम तो घबराई हुई है, उससे ज्यादा कांग्रेस और बीआरएस घबराए हुए हैं। हैदराबाद में दोनों पार्टियां एमआईएम को जितवाने में लगी है, दोनों उनको साथ दे रही है। कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण की कीमत सबसे ज्यादा एससी एसटी और बीसी समाज को चुकानी पड़ती है। अब कांग्रेस फिर एक बार इस समाज के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। ভোটের মধ্যে আদানি আম্বানির থেকে টেম্পো ভর্তি টাকা কার ঘরে ঢুকছে, এই নিয়েই এবারে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি একেবারে সরাসরি তেলেঙ্গানার ভরা সভা থেকে প্রশ্ন তুললেন কংগ্রেসের দিকে, কংগ্রেসের অবস্থান এবং তাদের বিরুদ্ধে তুললেন প্রশ্ন। তিনি বলছেন যে বারবার কংগ্রেস 5 উদ্যোগপতির কথা বলে আসে, কিন্তু এবারে ভোটের সময় এসে তারা আর কিছু বলছেন।
আর প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই কথাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পরিসরে সরগরম হলো পরিস্থিতি। ঠিক কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী শোনাবো। পিছলে পাঁচ সাল সে সুবে উঠতে হি মালা জপনা শুরু করতে থে। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। पांच साल से एक ही माला जपते थे, पांच उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी। पांच साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझा दे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। पांच साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई, मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलाराम, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। कांग्रेस और बीआरएस के बीच जो एपीजमेंट का बॉन्ड है वो बहुत मजबूत है। इतने वर्षों से इन दोनों ने जैसे हैदराबाद को एमआईएम को लीज पर दे रखा था, पहली बार किसी ने एमआईएम को चुनौती दी तो बीजेपी ने दी। बीजेपी की चुनौती से एमआईएम तो घबराई हुई है। संग्रह आज तक बांग्ला के सब्सक्राइब करते भूलें ना।